गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोडिक्टेड। माई सेल्फ रवि, आई एम MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेथोस्कोप के बारे में, और आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे होंगे MCP क्लासिको थर्ड स्टेथोस्कोप की, और आप सभी को बताएंगे किस टाइप का ये स्टेथोस्कोप है, किन स्टूडेंट के लिए लेना ये वर्थ इट रहेगा, और क्या क्या इस एक स्टेथोस्कोप के पार्ट होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम अनबॉक्सिंग करते हैं MCP क्लासिको थर्ड स्टेथोस्कोप की। सो ये आया है हमारा पैकेज Amazon की तरफ से, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। लेकिन एक मिनट, हम करने वाले हैं मेडिको वाली अनबॉक्सिंग, और सबसे पहले हम पहनेंगे ग्लव्स। ग्लव्स से भी पहले हम लगाएंगे थोड़ा सा सैनिटाइजर, ताकि हाथों को किया जाए सैनिटाइज, क्योंकि कोविड बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले हमें लगाना होगा ग्लव्स। तो चलिए ग्लव्स को पहले पहन लेते हैं और थोड़ा सा मेडिको वाला फील लेते हैं, और दूसरे हाथ में पहनेंगे हम दूसरा ग्लव्स, और अब करेंगे हम अनबॉक्सिंग एक स्टेथोस्कोप की। लिटरली हम पूरे फील के साथ अनबॉक्सिंग लेने वाले हैं। वैसे ये मैंने पहले फाड़ा हुआ है, लेकिन हाँ फिर भी हम इसको फाड़ेंगे। तो चलिए अब करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग। सो ये है Amazon की तरफ से पैकेज, और पहले ही आता है ये मज़ेदार पैकिंग के साथ, जिसके अंदर है ये फूटने वाली जो इसकी पैकिंग की गई है। वाओ, इसके साउंड्स बहुत अमेजिंग होती है। पहले हम इसकी साउंड का फील लेंगे और इसको करते हैं दफा। तो अब आते हैं बॉक्स के ऊपर। तो बॉक्स में आप सबसे पहले देखेंगे ये यहाँ पर इन्होंने बिल दिया हुआ है, और ये है इसके बॉक्स की पैकिंग। तो ये आता है MCP की तरफ से क्वालिटी स्टेथोस्कोप क्लासिको थर्ड स्टेथोस्कोप। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आइटम्स हैं इसके अंदर। सो वाओ, मैंने ये ऑर्डर किया था पूरा ब्लैक में, तो इसकी ब्लैक फिनिशिंग के साथ है पूरा स्टेथोस्कोप, लेकिन स्टेथोस्कोप बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। तो ये है आपका स्टेथोस्कोप, ये है इस पर एक नेम टैग जिस पे आप अपना नाम लिख सकते हो। यहाँ पर नेम टैग दिया है, इसके ऊपर आप अपना नाम लिख सकते हो, और इसको रख लेते हैं साइड में। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसके साथ दिया गया है कुछ एक्स्ट्रा इसके डायफ्राम के ऊपर लगने वाले पैड दिए गए हैं, जिसको आप डायफ्राम पे लगा सकते हो। ईयरबड्स दिए हैं एक्स्ट्रा, ताकि अगर ये आपकी ख़राब हो जाए तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसको भी हम करते हैं साइड। अच्छी कुशनिंग के साथ स्टेथोस्कोप दिया है। तो ये आते हैं मेन कोर्स पे, ये है हमारा स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप ऐसा नहीं है, एकदम हल्का नहीं है, काफ़ी हैवी स्टेथोस्कोप है। ये आप देख सकते हो इसका जो, ये काफ़ी हैवी है, लाइक लिटमैन की तरह ये हैवी है। बस इसमें थोड़ा बहुत लिटमैन से क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है, लेकिन हैवी ये लिटमैन की तरह है। लिटमैन की भी मैंने अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर की है, लेकिन एक बार फिर से आप सभी के लिए अनबॉक्सिंग लेके आएंगे। लेकिन ये है MCP का क्वालिटी स्टेथोस्कोप, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिफरेंट रीजंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम एक स्टेथोस्कोप को लेते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर पीस की। ये इसकी ट्यूब है, एंड ये होता है इसका चेस्ट पीस। तो ये सबसे पहले आ गया हमारे पास ईयर पीस, ट्यूब एंड चेस्ट पीस। ईयर पीस में ये लगी होती है ईयर ट्यूब्स, और ये लगी होती है ईयरबड्स। इनका बेसिकली फंक्शन होता है कि चेस्ट पीस से जो भी साउंड्स आ रही होती है उनको ईयर में पहुंचाने का। दूसरी बात आती है इसको हम लगाएंगे किस तरह से। तो जो भी स्टेथोस्कोप होता है उसकी जो ये होती है, तो इसके जो ये ईयर ट्यूब्स होती है ये एंटीरियरली होनी चाहिए और मीडियली होनी चाहिए, मतलब आगे की तरफ और मीडियली होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी ऑडिटरी कैनाल होती है उसकी डायरेक्शन भी आगे की तरफ होती है और मीडियली होती है। सो इसलिए इसको इस तरह से लगाना होता है, यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड आगे की तरफ, जैसे हमारी ऑडिटरी कैनाल की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में इसको हमें लगाना होता है। तो इसके बाद बात करते हैं ट्यूब। ट्यूब की अगर आप बात करोगे तो ट्यूब भी अच्छी क्वालिटी की ट्यूब है, अच्छी फ्लेक्सिबल है, ऐसी हार्ड ट्यूब नहीं है, फ्लेक्सिबल ट्यूब है और अच्छी क्वालिटी की है।
उसके बाद बात आती है चेस्ट पीस की। तो चेस्ट पीस में होती है दो चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट पीस में, तो इसकी बात करोगे तो ये होता है हमारा बेल रीजन, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये होता है हमारा डायफ्राम रीजन। तो ये है बेल और ये है डायफ्राम। अब बेल और डायफ्राम के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं। जो आपका डायफ्राम रीजन होता है ये हम हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड्स को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। जो साउंड्स हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, लो फ्रिक्वेंसी की साउंड्स के लिए हम बेल रीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये इसका रीज़न होता है, यहाँ पर ये बेल और डायफ्राम के बीच में स्विच होता रहता है। इसमें एक स्पेसिफिक साउंड आएगी, अब ये बेल पे शिफ्ट हो गया, अब ये डायफ्राम पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। और अगर आपको पता करना हो कि कौन सा रीज़न आपने अभी ऑन किया है, बेल रीज़न से सुन रहे हो या फिर डायफ्राम रीज़न से सुन रहे हो, तो एक बार इसको घुमाइए, और फिर अगर आपने मान लो बेल पे शिफ्ट किया है तो एक बार आपको इसको ट्यूब को कान में लगाइए, ईयरबड्स को कान में लगाइए, और हल्के से आपने इस पर टैप करना है ताकि आपको साउंड आ जाएगी, उस साइड की साउंड आपको आने लग जाएगी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कौन सा रीज़न पे अभी आपने शिफ्ट किया हुआ है। उसके साथ ही अब हम बात करते हैं इसके डायफ्राम की। बात करें तो डायफ्राम पे जो ये यहाँ पर ड्रम दिया गया है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है स्टेथोस्कोप की, अच्छी कंडीशन में है, और ऐसा नहीं है कि हल्का है, काफ़ी हैवी है स्टेथोस्कोप, तो ओवरऑल बेटर क्वालिटी का स्टेथोस्कोप है। तो ये आपका एक स्टेथोस्कोप आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये डायफ्राम रीजन जो होता है, जैसे हार्ट साउंड वगैरह सुनते हैं हम एडल्ट में, उसके लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप लो फ्रिक्वेंसी के साउंड सुन रहे हो या फिर फिटल हार्ट के साउंड सुन रहे हो, तब हम बेल रीजन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लो फ्रिक्वेंसी की होती है, तो उसमें फिटल साउंड्स के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। तो ये एक स्टेथोस्कोप है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब बात आती है इसके प्राइस की। अगर हम प्राइस की बात करें तो आपको 1100 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था तो 1100 रुपये का ये मेरे को स्टेथोस्कोप पड़ा है, और बहुत ही अच्छा स्टेथोस्कोप है। किसके लिए इसको लेना वर्थ इट है? अगर आप MBBS सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, थर्ड ईयर स्टूडेंट है, इनफैक्ट MBBS फर्स्ट ईयर में भी आपको ज़रूरत पड़ती है, BP वगैरह में आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा भी हम जो एग्ज़ामिनेशन करते हैं, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशंस वगैरह करते हैं MBBS फर्स्ट ईयर में, तो उसके दौरान भी आपको एक स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप MBBS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट है तो आपके लिए लेना वर्थ इट है, क्योंकि फाइनल ईयर और इंटर्न तक जाते जाते आपको लिटमन पर स्विच करना होता है ताकि आप अच्छे से एग्ज़ामिनेशन कर सकते हो। लेकिन MBBS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ये आपका बहुत अच्छा काम चलाने वाला है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टेथोस्कोप है। आई होप अगर आप सभी इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। सो ये है लिटमैन का MCP की तरफ से क्वालिटी स्टेथोस्कोप, और बहुत ही अच्छी कुशनिंग इसके साथ दी है, बहुत ही क्लासिकल पैकिंग के साथ ये आता है। सो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और आगे भी इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट अनबॉक्सिंग्स होती रहेंगी। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप सभी ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहाँ पर जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।